पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कासगंज में 9 नवंबर की शाम को पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में स्थानीय पुलिस अब घिरती दिख रही है। पुलिस जहां इसे आत्महत्या का केस बता रही है तो वहीं परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। घटना के बाद कासगंज एसपी रोहन पी बोतर्रे ने आनन फानन में सदर कोतवाल समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड तो कर दिया, पर इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका को लेकर कुछ सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। इस घटना में पहला सवाल, 2.5 फीट के पाइप से लटक कर कोई 5 फीट का आदमी कैसे मर सकता है? पुलिस अल्ताफ की आत्महत्या की बात कर रही है। हालांकि पुलिस के इस दावे के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि 2.5 फीट की पाइप से लटक कर 5 फीट का आदमी कैसे आत्महत्या कर सकता है। ऊपर से जिस पाइप और टोटी से लटककर युवक के आत्महत्या का दावा किया जा रहा है वो क्या इतनी मजबूत है कि किसी ठीक ठाक वजन वाले शख्स का भार सह पाए? इस घटना में दूसरा सवाल, लॉकअप के बाथरूम में लगी हुई टोटी घटना के समय टूटी हुई नजर आ रही है, लेकिन बाद में वही टोटी अपने स्थान पर कैसे? मामले में क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की भी आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें युवक की मौत के बाद पाइप की टोटी टूटी हुई दिख रही है, हालांकि बाद में यही टोटी सही सलामत नजर आ रही है। ऐसे में सवाल है कि इतनी बड़ी घटना हुई तो क्राइम सीन को सील क्यों नहीं किया गया? इस तरह सबूतों के साथ छेड़छाड़ क्यों की जा रही है? तीसरा सवाल, पुलिस और परिवार के बयान मैच क्यों नहीं कर रहे? कासगंज वाली घटना में पुलिस का कहना है कि अल्ताफ को सुबह थाने लाया गया था, जबकि उसके परिजनों का कहना है कि पुलिस उसे रात में ही उठाकर ले गई थी। पीड़ित के परिवार और पुलिस के बयान में क्यों है विरोधाभास? चौथा सवाल, मृतक अल्ताफ के पिता ने क्यों बदला बयान? घटना के बाद मंगलवार यानी 9 नवंबर को एक वीडियो सामने आया जिसमें मृतक के पिता चाहत मियां पुलिस पर तमाम तरह के आरोप लगाते दिख रहे हैं। उन्होंने पुलिस पर हत्या का भी आरोप लगाया था, लेकिन बुधवार को एक नए वीडियो में वे पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, साथ ही बेटे की आत्महत्या की बात भी मान रहे हैं। हालांकि मृतक की मां और अन्य परिजन आरोप लगा रहे हैं कि मृतक के पिता से पुलिस ने दबाव में ये वीडियो बनवाया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या पुलिस के दबाव की वजह से चाहत मियां ने अपना बयान बदला? इस घटना में पांचवा सवाल, लड़की के अपहरण के जिस मामले में पुलिस अल्ताफ को थाने ले गई थी उसमें उसके खिलाफ क्या सबूत थे? परिवार का कहना है कि लड़की के अपहरण के मामले में पुलिस अल्ताफ को उठाकर ले गई थी। अगर लड़की के अपहरण का मामला था तो पुलिस के पास अल्ताफ के खिलाफ क्या सबूत थे? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लड़की के पिता को युवक पर शक था, हालांकि पुलिस यह नहीं बता पाई कि लड़के के गायब होने में मृतक की कोई संलिप्तता थी या नहीं।